नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश का फरुखाबाद जिले के नवाबगंज के एक स्कूल में स्टैंडर्ड की एक गर्ल स्टूडेंट ने उसके मैनेजर कम प्रिंसिपल पर एक कमरे में बंद करने और उसके बाल काटने का आरोप लगाया है पुलिस ने पी सी के, के सेक्शन और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है लड़की ने चेतावनी दी कि अगर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो वो अपनी जीवन समाप्त कर लेगी वैसे स्टूडेंट्स का आरोप है कि टीचर ने इससे पहले भी अन्य लड़कियों के बाल भी काटे थे वैसे पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है अब दोस्तों इसे बोलते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब होता है पनिशमेंट दैट इज फिजिकल इन नेचर वैसे हमारा इंडियन लॉज में जो बच्चों के लिए है उसमें कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है कॉर्पोरल पनिशमेंट के बारे में फिर भी राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 थाउजेंड

उनके हिसाब से फिजिकल पनिशमेंट इज अंडरस्टूड एनी एक्शन दैट पेन हर्ट अंडरस्टूडन एंड टू चाइल्ड हावर लाइट मतलब कोई भी एक्शन जिसे बच्चों को इंजुरी हो सकता है पेन हो सकता है थोड़ा सा भी डिस्कंफर्ट हो सकता है चाहे वो छोटा भी हो बड़ा भी हो वो कॉर्पोरल पनिशमेंट में आएगा अब इसमें कुछ एग्जाम्पल भी है दोस्तों जैसे कि हिटिंग किकिंग स्क्रैचिंग पिंजिंग बाइटिंग बाल खींचना कान पकड़ना स्लैपिंग स्पैंकिंग हिटिंग विध एनी इंप्लीमेंट जैसे कि स्टिक से हिट करना चप्पल से मारना डस्टर से फेंकना चौक से मारना बेल्ट से मारना इलेक्ट्रिक शॉक देना ये सारे कॉर्पोरल पनिशमेंट के एग्जाम्पल्स से और भी है जैसे कि बेंच पर खड़ा होना कुर्सी जैसी स्थिति में दीवार के खिलाफ खड़ा होना सिर पर स्कूल बैग के साथ खड़ा होना पैरों के माध्यम से कान पकड़ना या फिर क्लासरूम लाइब्रेरी टॉयलेट जैसे क्लोस्ड स्पेस में डिटेन करना तो ये सब कुछ कॉर्पोरल पनिशमेंट में आता है दोस्तों अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट अब ये सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ रहे थे यही सब होता था और हमें इतना बुरा भी नहीं लगता था ठीक है नहीं पर देखिए इसे ऐसे पनिशेबल ऑफेंस नहीं बनाने से क्या होगा ना कुछ टीचर्स ऐसे हैं दोस्तों जो जान पूछ के बच्चों को परेशान करना चाहता है हर्ट करना चाहता है तो उन्हें सबक सिखाने के लिए इसे पनिशेबल ऑफेंस बनाना भी जरूरी है दोस्तों हैं जिसका एक्चुअली नेगेटिव इंपैक्ट होता है बच्चों तो में जैसे कि कुछ अपमानजनक विशेषणों का उपयोग करके नाम पुकारना और डांटना डराना बच्चे के लिए अपमानजनक टिप्पणियों का उपयोग करना उपहास करना या बच्चे को शर्मिंदा करना और बहुत कुछ ये सारे मेंटल हरासमेंट में नाउ व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर द लॉ अगेंस्ट सच पनिशमेंट देखिए सेक्शन 17 ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 टू एन एब्सोल्यूट बार ऑन पनिशमेंट देखिए बेसिकली राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट को प्रोहिबिट करता है कोई भी इस लॉ को वायलेट करेंगे उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा ठीक है अब यही नहीं और एक एक्ट है दोस्तों जुवेनाइल जस्टिस एक्ट व्हिच प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट फॉर क्रुएल्टी टू चिल्ड्रन सो सेक्शन 75 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के हिसाब से जिनको बच्चों का केयर एंड प्रोटेक्शन इंश्योर करना चाहिए वो अगर बच्चों को असोल्ट करता है अब्यूज करता है या फिर कुछ इस तरीके से नेग्लेक्ट करता है जिसकी वजह से बच्चों को फिजिकल या मेंटल सफरिंग होता है तो उन्हें रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिल सकता है अप टू फाइव इन एंड फाइन अप टू अपू लाख यही नहीं की से अगर कोई बच्चा फिजिकली डिसबल हो जाता है या फिर उनमें कुछ मेंटल इलनेस आता है ताकि वो अपना रेगुलर टास्क परफॉर्म ना कर पाए तो इसके लिए पनिशमेंट है इम प्रमेंट अपटू टे आर्टिकल ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड ऑफ डिसिप्लिन इन्वॉल्विंग वायलेंस इज अनएक् मतलब देखिए टीचर्स डिसिप्लिन के चक्कर में अगर वायलेंस यूज कर रहे हैं बच्चों के साथ इट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल एंड इट लेज डाउन दैट चिल्ड्रेन हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग हर्ट एंड मिसट्रीटेड तो बेसिकली यू एन कन्वेंशन सारे बच्चों को कुछ राइट्स दिया हुआ है फ्रॉम बींग हर्ट एंड मिसट्रीटेड ठीक है और ये कन्वेंशन सारे नेशनल गवर्नमेंट्स को ये मैंडेट करता है ट दे शुड एनश्योर दैट चिल्ड्रन आर प्रॉपरली केयर फॉर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम वायलेंस ठीक है तो बच्चों के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है बेसिकली स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सारे नेशनल गवर्नमेंट्स को पॉलिसीज अडॉप्ट करना चाहिए आप दोस्तों कुछ सेंट्रल लेजिस्लेश पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड है वैसे मैंने आपको दो तो बता दिया चाइल्ड राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए नाउ द इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम 2009 थाउजेंड नाइन दैट इज आईसी ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था टू ब्रिंग एलिमेंट्स ऑफ ऑल चाइल्ड प्रोटेक्शन वन अम्बरला तो बेसिकली हमारे देश में चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स है स्कीम्स है पॉलिसीज है वो सबको एक ही अंबरला के नीचे एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाने के लिए गवर्नमेंट ने इंटीग्रेशन चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च किया था फिर देखिए द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट टू और एक लेजिस्लेशन है दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन तो देखिए

under the act a child is defined as a person in 0 to 18 years age group this is very important child code defined kiya ho hai, those who are under 18 years of age it aims to ensure that all laws policies programs and administrative mechanisms are in harmony with the child rights perspective as enshrined in the constitution of india and also the un convention on the rights of मतलब चाइल्ड राइट्स के पर्सपेक्टिव में हमारे देश में जितने लॉज है पॉलिसी से प्रोग्राम से एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म से वो सब मैके में काम करें जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एनश्राइंड है एंड ऑल्सो दू एन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड में एनश्राइंड है वैसे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का कंपोजिशन मैं आपको बता देता हूं इसमें एक चेयरपर्सन रहता है एंड सिक्स मेंबर्स ऑफ इच एटलीस्ट टू शुड बी वीमेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसी में सिक्स मेंबर्स होना चाहिए और एक चेयरपर्सन होना चाहिए एंड सिक्स मेंबर्स में से दो विमेन होना चाहिए ऑल ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर थ्री ईयर्स तो थ्री ईयर्स का टर्म रहता है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं मैक्सिमम एज टू सर्व इन द कमीशन सिक्सटी फाइव ईयर चेयरमैन के लिए एंड सिक्सटी ईयर से मेंबर्स के लिए The salary and allowances payable to and other terms and conditions of service of the chairperson and members shall be such as may be prescribed by the central government. तो देखिए salary, allowances etc. Central government prescribe करते हैं time to time. साथ साथ में एक court judgment के बारे में बता देता हूँ जो corporal punishment से related है. ये case है S J Singh and others versus State and A 2018. ये मामला एक ऐसे student से संबंधित है जो school में देर से पहुँचने के लिए डकवाक करने के लिए मजबूर होने के बाद मर गया डकवाक आप समझ रहे जो मुर्गा बनने के लिए बोलते हैं पर इस केस में उस बच्चे का डेथ हो गया था तो जस्टिस वेंकटेश सजा के खिलाफ कानून के बावजूद ये अभी भी देश भर में प्रैक्टिस किया जाता है उन्होंने ये भी कहा जानवरों की भी क्रूरता से रक्षा की जाती है हमारे बच्चे निश्चित रूप से जानवरों से भी बदतर नहीं हो सकते तो दोस्तों दैट अगर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करें अगर स्कूल प्रिंसिपल के अगेंस्ट जो एलिगेशन है वो प्रूव हो जाता है तो इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए बिकॉज दिस इज ए फॉर्म ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट क्योंकि कमरे में बंद करना बाल काटना वो भी एक गर्ल स्टूडेंट के साथ बिल्कुल गलत है उनके ऊपर क्या साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा यह हम इमेजिन कर सकते हैं तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई ब